हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत बेसब्री से, कि लेखपाल का नोटिफिकेशन सर कब आएगा। तो फाइनली लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है। शुल्क जमा करना या ऑनलाइन आवेदन शुल्क शुरू हो जाएगा 7 तारीख से, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 28 तारीख, और आवेदन में संशोधन करने की आखिरी तिथि है 4 तारीख 2, यानी 4 फरवरी तक कर सकते हैं। वही सब यहाँ पे लिखा है कि 4 तारीख तक संशोधित कर सकते हैं, 28 तक फीस जमा हो जाएगी। फाइनली बड़ा इंतजार था लोग भागों को स्कोर का। अब पीटी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसमें देख लेते हैं पीटी का जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। आप सभी लोग नोटिफिकेशन को सही से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैं नोटिफिकेशन को पढ़ के आराम से बड़े तसल्ली से बना रहा हूँ। वीडियो पूरी देखा करें लास्ट तक, सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लिया करो यार कभी कभी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है विज्ञापन संख्या 1/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन 80/85 राजस्व लेखपाल, यानी 8085 पद हैं। बड़ी गौर से नजरें जमा लें, आचार संहिता लगने से पहले पहले भर्ती आ गई है। अब क्लियर हो ना हो वो बात की बात है, भर्ती आ चुकी है। अब अधर में लटक जाए तो कह नहीं सकते, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अब पीटी का बड़ा डाउट है कि पीटी वालों का क्या होगा, कितने परसेंटेज। तो देखिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि इसमें कोई कट ऑफ मटऑफ नहीं माना जाएगा, आप बस पीटी किए होना चाहिए, वही चीज़ हुई है। बहुत लोग अपना पहले जा रहे थे, बड़े बड़े कोचिंग वाले पहले जा रहे थे, नहीं नहीं भैया इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। पीटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, मतलब अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट है, उनके पीईटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी टेस्ट में सम्मिलित हुए थे। ये चीज़ पढ़ लेना, वो ही आवेदन करेंगे जो पीईटी में सम्मिलित हुए थे। यही मैंने पहले भी कहा था, स्कोर स्कोर कुछ नहीं बताया, एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर बैड कार्ड जारी होने, मतलब जो चीज़ मिली है स्कोर वो उसके पास होना चाहिए। यानी कि CCC जैसा आपके पास सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें अपग्रेड कोई भी हो ये होना चाहिए। अभी कहने का मतलब यह है, स्कोर के बारे में कुछ नहीं बताया, परंतु यह जब तक कि आयोग के स्तर से जाँच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का भी आयोग द्वारा विभिन्न मुख्य परीक्षा में आवेदन के औपबंधिक रूप से प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। अब अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी कार्रवाई की जा रही जांच के परिणाम के अधीन होगी। यानी कि मोटा मोटा समझिए कि आप भी फॉर्म भर सकते हैं अगर पीईटी दिए हैं तो, बस अच्छे से तैयारी करिए। अभी स्कोर विस्कोर का कुछ नहीं बताया इसमें। देखिए, सीधी सी बात है, पीईटी मैंने पहले भी बोला था, पीईटी जस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, टेस्ट की दियो तो आगे आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। वो तो जस्ट एक लॉलीपॉप था, आपने चूस लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सॉरी यार मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है, बुरा नहीं मानना, मान भी जाओगे तो मेरा क्या कर लोगे। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति पर जाके, ये आपको पता ही है, UP SSC Government.in से करिए। आवेदन की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते ही हैं, कैसे कैसे आवेदन करना है, इसमें पढ़ लीजिए। प्रारंभिक आहार परीक्षा पीटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, पहला व्यक्तिगत विवरण, दूसरा OTP के माध्यम। यानी पीटी दिए हो तो आपके पास एक तो या तो OTP के माध्यम से निकाल लो या व्यक्तिगत विवरण के साथ। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके यार जुड़ो ना, आवेदन कर सकते हैं। पिता का नाम, मूल निवासी, ये सब इसके बारे में बाद में डिटेल में वीडियो बताएंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अभी तो ओनली मोटा मोटा जानकारी देना था कि पीईटी का कोई भी इशू नहीं है, आप भरें फॉर्म, बस एक बार पेपर दिए होना चाहिए। पीईटी घोषणा पत्र है, आपको फीस शुल्क भी बता दे रहे हैं, SBI के द्वारा जो है ऑनलाइन पेमेंट भी होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फीस जमा करने में। आज सामान्य वर्ग की ऑनलाइन प्रक्रिया फीस 25 रुपये, अब आवेदन फीस कितनी है ये नहीं बताया, ऑनलाइन फीस शुल्क आपका 25 रुपये लगेगा, मोटा मोटा 185-200 रुपये कम से कम लग जाएगा। अभी फीस के बारे में इसमें दिया नहीं है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लें, ये बात कह रहे हैं। नाम में वर्तमान में गलती वगैरह हो, पिता के नाम में गलती हो तो भाई अभी सुधार कर लें, संशोधन करके ही फॉर्म भरें जिससे सही रहेगा। ये देख सकते हैं राजस्व परिषद, वेतन देख लीजिए, 52,000 से 20,000 ग्रेड पे वेतन है, और बाकी आप समझते ही हैं किसी की ज़मीन किसके नाम करानी है, लेखपाल बड़े आसानी से कराते ही कराते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो समझते ही होंगे, मोटा मोटा आप उनको सब इसमें से देख लेना है, और बाकी PDF आप अच्छे से पढ़ें, और ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जनरल वालों के लिए 3,271 पद हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 1,690 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,174 पद हैं, और EWS के लिए 798 यानी 798 पद हैं। टोटल कुल भर्तियां होंगी 80/85, स्थायी या अस्थायी अभियुक्ति
उत्तर प्रदेश लेखापाल सेवा नियम नियमावली के अधीन राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा या किया जाएगा, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। पद के सम्मुख और ये सब चीज़ें वही हैं, और बाकी आपको पहले से ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और बाकी मेन चीज़ आप ये पढ़ सकते हैं, रिक्तियों की कुल, एक सेकंड, रिक्तियों की कुल श्रेणीवार संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। भैया ये बड़ा पता चले घटा दिए, और बाकी तो चुनाव है तो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी हैं, विकलांग के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी ये पद दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में भी आपको बता देते हैं। ऑलरेडी सिलेबस आ चुका था पहले, इसकी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी देखिए, आप अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने, मतलब जिसके पास NCC क्रेडिट कोर बी का प्रमाण पत्र हो या उसने 2 वर्ष की अवधि तक कहीं सेवा येवा कर लिए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आयु सीमा है, 40 वर्ष तक भर सकते हैं, 18 से लेके 40 साल तक के हैं तो फेल के भर देना फॉर्म, है ना। बाकी ये चीज़ और डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, अभी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। आरक्षण वारक्षण आपको पता ही होगा किस किस को मिलता है, चयन की लिखित परीक्षा है, क्या क्या देखने को मिलने वाला है। भाई इस बार थोड़ा चेंजेस हुआ है सिलेबस में, ऑलरेडी सिलेबस आ चुका था। सामान्य गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, ये चीज़ें आने वाली हैं। 25-25 क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन है, और 100 नंबर के, 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ऋणात्मक 1/4 है यार, 1/3 करना चाहिए था ना मजाक कर रहे हैं। चलिए तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना ही है, ये सब देखिए, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्पद, मुहावरे, वोहावरे। गणित में ये सब आपको पढ़ना है, एक सेकेंड बाबू, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, दंड, पाई चार्ट, बीज गणित, रेखा गणित, सब कुछ है। सामान्य ज्ञान में पूरा पढ़ना है, ग्राम समाज स्पेशल पढ़ना है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, अब लिखित संबंध विशेष नोट जरूर पढ़ें। यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है, मतलब जो आवेदन प्राप्त हुए बहुत अधिक हैं, और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष अर्थ परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है, समझे। यानी कि बहुत ज़्यादा आवेदन हो गए तो एक से अधिक शिफ्टों में भी आयोजन कराया जाएगा परीक्षा का, 2 दिन भी कराया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। ये कहने का मोटा मोटे तौर पर, आप लोग समझदार हैं यार, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दी हुई है, परीक्षा तिथि, आवंटन कैसा क्या होगा, शायद ऑफलाइन ही पेपर है इसका। तो ये सब चीज़ हम आपको बता दिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस पर पूरी डिटेल में वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैसे कैसे करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या पढ़ें, कौन सी बुक स्पेशल है, कौन सी नहीं, ये सब बताऊँगा बड़े आराम से। मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।